प्रभु के इस रूप के दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। रघुनाथाय नाथाय कौशल्याय समर्पयामि इत्युक्त्वा भगवतः तौ प्रक्षाल्य अर्घ्यं समर्पयेत्। भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः अर्घ्यं समर्पयामि इत्युक्त्वा भगवतः शिरःस्थं संप्रोक्ष्य आचमनीयञ्जलं समर्पयेत्। तद्वीराडाजाय तद्वीराजो आदेपो रोगाः साजातो अथियारिचियाधा पश्चात् रत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः आचमनीयञ्जलं समर्पयामि इत्युक्त्वा आचमनीयं शुभ्रवस्त्रेण भगवतः संवृज्य मधुपर्कं समर्पये। Oh, no.
तेनाहं मधुरो मधव्येन परम रूपेण परम मधव्योन्नादोसाने अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः मधुपर्णं समर्पयामि रत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः आचमनीयाञ्जलं समर्प्य शुभ्रवस्त्रेण मुखं सम्प्रोक्षयेत् स्नाशकरे यभियानारण्या कराम्या साजे श्रीरामचन्द्राय नमः पृथिव्यां पाय ओघादि गोपाय दिव्यं तारिक्षे पायोधाः पायसवादेः परादेशाः सन्तो मह्यं कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च अयस्नानार्थमर्पितम् ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते चूडामणिजलं समर्पयामि पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओमप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते दुराचमनीयजलं समर्पयामि जीनाः सोराभिनो मुख कारत्नाण आयोगोखेदा रेखाताम् सस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभां दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः हरिस्नानं समर्पयामि हरिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते स्मनीयं जलं समर्पयामि जो निर्घृते श्रेतो घृतं वशियाधाम आनुखवाधाम नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं कृतान्तभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः कृतस्नानं समर्पयामि कृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोरगस्नानान्ते दुराचमनीयाञ्जलं समर्पयामि अनुत्थानं
भ्यो राजा माधुरीय रस्तरा पिता माधुमानस्पत माधुमाजुर्गा पुष्परेणु समुद्भूत सुस्ताजु मधुरम मधु पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां रत्नाकराय भगवते श्रीरामकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां रत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते द्विरात्मने अञ्जलं समर्पयामि पश्चात् पुनः शुद्धोदक से स्नान। भगवान के अंग अंग को मधु का लेपन किया जा रहा है। सनातन धर्म में पूजन के समय अभिषेक का विशेष महत्व है। अभिषेक करने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अभिषेक से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभिषेक से मनुष्य के हाथ से जाने अनजाने होने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं। अभिषेक करने से रोग शोक और दुखों का विनाश होता है। अभिषेक एक परम पवित्र सनातन वैदिक परंपरा है। पंचामृत से मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां ओम अप्रमेय कृपा पावनाय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः शर्करा स्नानं समर्पयामि। इसमें जल के शामिल होता ही है। पंचामृत में दूध समर्पयामि गोघृत विभिन्न प्रकार के मौसमी इत्र श्वेत चंदन रक्त चंदन केशर और कस्तूरी जैसे पदार्थों से निर्मित सुगंधित द्रव्यों से पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते समर्पयामि सर्वाशुद्धावालो माडीवा लस्ताशवीनाः श्वेताः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पाशुपाताय जीवन में मिठास में वृद्धि करती है। अभिषेक का क्रम चल रहा है।
अभिषेक से मन के विकार दूर हो जाते हैं। भक्त के संकल्प की, मनोकामना की पूर्ति होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे षड रिपुओं का, दुर्गुणों का विनाश होता है और इन दुर्गुणों से प्रभु भक्तों की रक्षा करते हैं। आज भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप देख पा रहे हैं केशर युक्त जल, सुगंध द्रव्य। ओम संभोता चंदनेन विमिश्रितां इदं गंधोदकस्नानं कुंकुमाक्तं प्रगृह्यताम्। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते रामचंद्राय नमः। गंधोदकस्नानं समर्पयामि। गंधोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते दुरात्मने अञ्जलं समर्पयामि। अग्गो सोह प्रतियातां पारोथा पारोह गंधस्ते सो चंदनम वलयोद्भूतम कस्तूर्यादिसमन्वितम करोद्वर्तन कंदेवा त्रिहाण परमेश्वरा। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते